86 वसंत ऋतुओं का सफर और इसी खुशनुमा मौसम की तरह चेहरे पर बनी मुस्कान, यह खास पहचान थी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की। उन्होंने 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवल टाटा से पहले उनके किसी भी बुजुर्ग का टाटा सरनेम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, यहां तक कि कोई बड़ा कारोबारी भी नहीं रहा। किस्मत तब चमकी जब नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा ने टाटा सन्स ग्रुप के एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवल टाटा के घर जन्म लिया। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद नवल टाटा टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। पिता नवल टाटा के पैदाइश के वक्त उनके पिता होर्मुसजी टाटा समूह की अहमदाबाद स्थित एडवांस मिल्स में स्पिनिंग मास्टर के रूप में काम करते थे, लेकिन टाटा परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनके जीवन में यू टर्न 1917 में आया। चलिए जानते हैं रतन टाटा के पिता नवल टाटा के बारे में। नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को होर्मुसजी के घर हुआ था। उनका परिवार मुंबई, उस वक्त के बॉम्बे में रहता था। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता होर्मुसजी का 1908 में निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद नवल और उनकी माँ मुंबई से गुजरात के नवसारी में आ गए। यहाँ रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं था। उनकी माँ ने कपड़े की कढ़ाई का खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया। इस काम से होने वाली इनकम से परिवार का सिर्फ गुजारा चल रहा था। जैसे जैसे नवल की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माँ को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उनके परिवार को जानने वालों ने नवल की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें जेएन पेटिट पारसी अनाथालय भिजवा दिया। वहां वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। जब वो 13 साल के हुए तब 1917 में सुविख्यात पारसी उद्योगपति और जनसेवी जमशेद जी नासरवान जी टाटा के पुत्र की पत्नी नवाजबाई जेएन पेटिट पारसी अनाथालय पहुंची। वहां उन्हें नवल दिखाई दिए। नवाजबाई को नवल बहुत पसंद आए और उन्हें अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया, जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। अब टाटा परिवार से जुड़ने के बाद नवल टाटा की किस्मत बदलने लगी। जहां पढ़ाई में होशियार रहने की वजह से वे आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और भारत वापस आने के बाद वे तेज प्रमोशन के साथ टाटा कंपनी की उच्च पोजीशन तक विराजमान हुए।